19 जनवरी 1990 की वो रात शायद हम पूरी जिंदगी न भूल पाए, जब कश्मीर में एक आवाज सुनाई दे रही थी, कश्मीर पंडितों कश्मीर से भाग जाओ। जिस कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, वही स्वर्ग उस समय सभी को नर्क से भी पत्तर लगने लगा था। पलायन, विस्थापन, हत्या और निष्कासन जैसे शब्दों को जो केवल हम सुनते आए थे, लेकिन ये असल में क्या होते हैं, ये केवल कश्मीरी पंडित जान सकते हैं जिन्होंने उस समय शब्द के घाव सहे थे। इन कश्मीरी पंडितों ने अपने ही घर में जो कुछ सहा था, उसके बारे में सुनकर हमारा कलेजा फटकर बाहर निकल आएगा। 19 जनवरी 1990 का वो काला दिन, जब कट्टरपंथी या इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कश्मीरी पंडितों को फरमान सुनाया, उन्हें काफिर बताया था। इसके बाद कश्मीरी पंडितों को इस कदर परेशान किया गया कि हजारों लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के शिक्षण संस्थानों को नष्ट किया गया, उनकी दुकानें लूट ली गई, मंदिर, धर्मशाला और आश्रम को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा पंडितों को खेती करने वाली जमीन उनसे छीन ली गई, उनके घरों को जला दिया गया ताकि कश्मीर से भाग जाएं। कश्मीर में रहने वाले 95% हिंदू लोगों के घर जला दिए गए, 11% कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार दिया गया। कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया और इनमें सैकड़ों परिवार ऐसे थे जिनके घाव आज भी ताजा हैं और उस दिन को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। साल 2003 का वो दिन, जब 24 कश्मीरी पंडितों की लाशें सफेद चादर में लिपटी मिली थी, इन्हें एक लाइन में बिठाकर गोली मार दी गई थी। इनकी कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू भर आए थे। जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के नादिमर गांव में रहने वाले 24 लोगों को आतंकवादी समूह के लश्कर आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, मरने वाले लोगों में 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों में 2 साल का एक छोटा बच्चा था जिसे भी आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। 23 मार्च की रात आतंकवादी सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनकर नादिमर गांव पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने लोगों की तलाशी लेने के बहाने घर से बाहर निकाला। जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें एक कतार में बैठा दिया गया और फिर आतंकवादियों ने एक साथ उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जिस जगह पर कभी बच्चे खेला करते थे, वह आज वीरान हो गया। इनमें से कई घर तो ऐसे हैं जिनमें आज भी लिखा हुआ है, ये मेरा घर है। कुछ घरों में ताले लगे हुए हैं और कुछ घर खाली खंडहर के समान हो गए हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया था और फिर वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन एक चीज जो आज भी वैसी की वैसी है, वो है कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के हालात, जो कि आज भी वैसे ही हैं। कश्मीर में अगर आप जाएंगे, शायद आप देख पाएंगे कैसे धरती के स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर में लोग नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर हैं। 90 के दशक में नरसंहार के बाद श्रीनगर में जितने भी पंडित बच गए थे, आज उनके हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब है। यूं कह लें, उनकी जिंदगी मौत से बदतर है। कश्मीरी पंडित आज भी अपने हक के बारे में दिन रात सोचते हैं और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं, इनके बारे में कहने वाला कोई नहीं, इनके बारे में सुनने वाला कोई नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।